नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनाली और आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्नोलॉजी स्मार्ट सपोर्ट में। गाइस, अगर आप इंस्टाग्राम में अपना रील्स बनाकर डालते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस तरह के रील्स को कैसे बनाना है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। आप बहुत ही आसानी से इस रील्स को बना सकते हैं। इस ट्यूटोरियल को आप लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इस तरह के सॉन्ग वाले रील्स को ओपन कर ले। अगर आपको ये वाले रील्स नहीं मिल रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस रील्स का लिंक मिल जाएगा, उसे ओपन कर ले। और फिर अब हम इसे स्टोरी में लगा लेते हैं। स्टोरी में लगाने के बाद आप इसे डाउनलोड कर ले। ये रील्स हम इसके म्यूजिक के लिए डाउनलोड कर रहे हैं, जिसका यूज हम अपने वीडियो में करेंगे। तो अब हम एडिटिंग के लिए VN ऐप का यूज करेंगे। तो आप भी VN ऐप को डाउनलोड करके उसे ओपन कर ले। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करें और फिर न्यू प्रोजेक्ट पर। अब तीन फोटो को चूज कर ले। और फिर इस एरो पर क्लिक कर लेना है। अब लास्ट में आपको ब्लैक कलर का वाटरमार्क मिलेगा, इस पर क्लिक करके इसे डिलीट कर दे। अब यहाँ पर आपको टैप टू ऐड म्यूजिक का एक ऑप्शन मिल जा रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है और फिर म्यूजिक पर। अब प्लस के आइकन पर क्लिक करें और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो को सेलेक्ट कर ले। अब यहाँ पर हमने जो रील्स अभी डाउनलोड किया है उसे यहाँ से चूज कर ले। और ओके कर ले। अब जो सबसे फर्स्ट है चूज लिखा हुआ, उसे सेलेक्ट कर ले। और अब राइट के आइकन पर क्लिक करें। अब यहाँ पर म्यूजिक ऐड हो गया है। अब ये जो म्यूजिक है इस पर टैप कर लें और फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है बीट्स का। तो अब इस बीट्स पर क्लिक करें और अब आप अपने म्यूजिक को यहाँ से प्ले करके सुन सकते हैं। अब आप म्यूजिक के बीट्स को सुन के यहाँ पर बीट्स लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट बीट को लगा के दिखा देती हूँ आपको। मैंने म्यूजिक को सुनकर पहला बीट लगा लिया है। सबसे पहला बीट 1.01 पर लगाएं। यहाँ पर आपको जो टाइमिंग मैं आपको बता रही हूँ वो टाइमिंग यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर वो टाइमिंग देख के इसे लाकर रेड वाले पर क्लिक कर ले। इस तरह से आप पहले बीट को लगा सकते हैं। इसी तरह से दूसरे बीट को 2.02 पर लगाएं। अब पहले फोटो को पहले बीट तक एडजस्ट कर लें। इसी तरह से दूसरे फोटो को दूसरे बीट तक एडजस्ट करें। और लास्ट में इस म्यूजिक को 4.24 तक कर लें और म्यूजिक तक लास्ट वाले फोटो को एडजस्ट करें। अब लिखने के लिए टैप टू ऐड सबटाइटल पर क्लिक करें और फिर इस पर क्लिक करें। अब आपको जिस भी स्टाइल में लिखना है दिस इज यू, उसे चूज करें और फिर इस पर क्लिक करके दिस इज यू लिख लें। इस एरो से आप इसे बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं और फिर इस पर क्लिक करके टेक्स्ट के कलर को चूज कर लें।
अब पहले फोटो के लास्ट तक इसे एडजस्ट करें। इसी तरह से आपको दिस इज मी लिख लेना है। अब दूसरे फोटो के लास्ट तक इसे एडजस्ट करें। और अब इसी तरह से तीसरे फोटो में दिस इज ऑल वी नीड लिख लें। और राइट के आइकन पर क्लिक करें। अब ये वाले प्लस के आइकन पर क्लिक करें और ब्लैक वाला चूज कर लें और इसे फुल कर दें और फिर राइट के आइकन पर क्लिक करें। अब इस वाले प्लस के आइकन पर क्लिक करें और ब्लैक वाला चूज कर लें और इसे फुल कर दें और फिर राइट के आइकन पर क्लिक करें। अब इस वाले प्लस के आइकन पर क्लिक करें और वाइट वाला चूज कर लें। अब इसे फुल कर दें और फिर रेड के आइकन पर क्लिक कर लें। अब हम अपने वीडियो को एक बार प्ले करके चेक कर लेते हैं। अब इस ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ से 9:16 कर लें और फिर एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे एक्सपोर्ट कर लें। अब हम देख लेते हैं कि हमारा वीडियो कैसा बना है। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इस तरह के रील्स को बना सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।